जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जंगल स्काउट टूल के बारे में कि इसको हम किस तरीके से अमेज़ॉन पे यूज़ करेंगे और इसके ज़रिए हम किस तरह अमेज़ॉन के डेटा को रिसर्च कर सकते हैं। देखिए जी, हमारे पास जो है इस वक्त आप देख रहे हैं, एक तो जंगल स्काउट की एक्सटेंशन है हमारे पास और इसको इसके साथ ही साथ हमारे पास जंगल स्काउट वेब भी है। ये देखें जी, आप देख रहे हैं डिलीवर टू पाकिस्तान और ये हमारे पास मार्केट। सबसे पहले डिलीवर टू पाकिस्तान जो है इसको आप चेंज करेंगे और यहाँ पे जो भी मार्केट प्लेस आपने रखनी है, फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूयॉर्क यूएसए के लिए करना चाह रहे हो तो 1005 आप कर देंगे। तो ये देखिए जी, न्यूयॉर्क हमारे पास सेलेक्ट हो चुका है। मार्केट सेलेक्ट करने के बाद आपने देखना है कि अब ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक आइसक्रीम स्कूप को अगर हम रिसर्च करते हैं तो आइसक्रीम स्कूप जो है हमारे पास आ रहा है जी। ये रिसर्च होकर रिज़ल्ट आ गया हमारे पास। अब हमारे पास इसको डेटा को रिसर्च करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स होते हैं। अच्छा जी, आप ये जो ऊपर देख रहे हैं बेसिकली ये जो हमारे पास नज़र आ रहे हैं ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स होती हैं। तो हमने जब भी ऑर्गेनिक देखना है, देखिए ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आपको नज़र भी आ रहा होगा साथ में, तो हमने जब भी डेटा को रिसर्च करनी है तो हमने ऑर्गेनिक जो है ना डेटा को लेना है। तो ये देखें जी, नीचे ये जो है ना ये ऑर्गेनिक्स आ रही हैं नंबर वन और नंबर टू पे एज कंपेयर टू ये पेज फर्स्ट के ऊपर, यानी कि लिस्टिंग है आइसक्रीम स्कूप के हवाले से अगर हम देखें तो ठीक है जी। तो इसको रिसर्च करने के लिए हम जो है वो जंगल स्काउट की एक्सटेंशन है जिसको आप अपने टूल प्रोवाइडर से ले सकते हैं, वो आपको दे देंगे और यहाँ पर इंस्टॉल भी कर देंगे। तो इसको हम रन करेंगे यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं जी जंगल स्काउट की एक्सटेंशन रन हुई है। अब इस पूरी नीच का जो है हमारे पास डेटा जो है वो डिकोड हो गया है और हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो है आइसक्रीम स्कूप की कीवर्ड सर्च टर्म के ऊपर जो है कौन कौन सी प्रोडक्ट रैंक कर रही है जी। ठीक है जी, तो ये अब आप देख रहे हैं कि इसमें मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स हैं। ये बटन है, ये फाइंड सप्लाई फॉर द प्रोडक्ट को बताता है। इसके साथ ये लुकअप कीवर्ड्स है, अगर इसके कीवर्ड्स इस प्रोडक्ट के आपने देख रहे हैं और अगर प्रोडक्ट को ट्रैक करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं जी। ये प्रोडक्ट का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है जिसके अंदर वो प्रोडक्ट की ब्रांड क्या है, नेम क्या है और टाइटल उसने क्या दिया है, उसकी प्राइस क्या है, उसके रिव्यूज़ क्या हैं, ये यहाँ पर आपको शो हो रहा है जी। जी इसके बाद जी आप देखें तो ये प्रोडक्ट नेम भी आ रहे हैं आपके सामने और इसके अलावा ब्रांड है, प्राइस है और आप देखें तो ये आपको यानी कि दिखा रहा है आगे मंथली सेल्स भी हैं और डेली सेल्स भी हैं इसके अंदर। ठीक है जी, और इसके अलावा ये डेट ऑफ फर्स्ट अवेलेबल भी है, मंथली रेवेन्यू भी है। तो ये तमाम जो डेटा आपके पास आ रहा है, ये देखिए जी मंथ डेटा नेट है, मतलब जो फीस चार्जेस हो रही हैं आपको नेट क्या एफबीए फीस के बाद जो है ना वो बच रहा है आफ्टर प्राइस। ठीक है जी, तो उसके अलावा इसमें रेटिंग है, फीस है, रैंक है और सेलर टाइप है। सेलर टाइप में अमेज़ॉन भी है, एफबीए भी है, एफबीएम भी होता है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट और सेलर टाइप अमेज़ॉन खुद से भी है। तो ये सब तमाम चीज़ें जो हैं हमें जंगल स्काउट में आती हैं एक्सटेंशन में, तो ये सारा रिसर्च करना पड़ता है। ये देखिए जी, कैटेगरी भी है हमारे पास, किचन एंड किचन कैटेगरी है, होम एंड किचन की कैटेगरी है या कोई और इसके अलावा कैटेगरी, तो यहाँ पर हमारे पास मेंशन हो जाएगी। टायर देखेंगे आप, हमारे पास साइज़ क्या है, लार्ज स्टैंडर्ड है, स्मॉल स्टैंडर्ड है, आवर साइज़ है, यहाँ पर आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम लार्ज स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड साइज़ में रहें। ठीक है जी, स्मॉल स्टैंडर्ड या लार्ज स्टैंडर्ड में रहें। नेक्स्ट पे आपको वेट भी नज़र आ रहा है जो कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 4 पाउंड की रेंज में ही रहना है। तो यहाँ ऊपर वाले बटन से हम रिफ़्रेश कर सकते हैं और इसके बाद रिफ़्रेश करने के बाद ये डेटा हमारे पास दोबारा रिफ़्रेश हो गया है, दोबारा से आ गया। ठीक है जी, तो इस बटन से इसको हम स्क्रीन को हाफ वे और फुल वे भी ले सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जंगल स्काउट की एक्सटेंशन पे वर्क हो रहा है। और इसके अलावा मज़ीद हम देखेंगे इसमें, देखें जी प्रोडक्ट जो है इसमें रिपीट भी हो रही हैं, तो नीचे तक लेके जाएंगे इसको। हमने इसमें जो लेना होता है, हमने टॉप टेंस लेनी होती हैं, टॉप टेंस के डेटा को रिसर्च करना होता है, मगर इसमें टॉप टेन में अगर कुछ रिपीट हो रही है तो वो नहीं लेंगे। ये जो कस्टमाइज व्यू है, इसके सेटिंग में हम आपको बताते हैं। कस्टमाइज व्यू में देखें शो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, ये अगर आपके पास टिक है तो इसको आपने हटा देना है, क्योंकि हम टिक करके देखते हैं
ये देखें टिक किया, तो ये देखें जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास आ रही हैं, लेकिन हम इसको फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च नहीं लेते, लिहाजा इसको हम जो है ना अनटिक कर देते हैं। नीचे हमारे पास देखें ब्रांड आ रही है, प्राइस आ रही है, मंथली एस्टिमेटेड सेल आ रही है, डेली एस्टिमेटेड सेल आ रही है, एस्टिमेटेड रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, डेट ऑफ फर्स्ट अवेलेबल आ रही है, नेट एंड प्रॉफिट कैलकुलेटर आ रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है, हटा दें। नंबर ऑफ व्यूज चाहिए, रेटिंग भी ठीक है, फीस नहीं चाहिए, इसको भी अनटिक कर दें, रैंक भी नहीं चाहिए, अनटिक कर दें, ताकि आपके पास कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिक्वायर्ड आ जाएँ। सेलर टाइप ठीक है, कैटेगरी भी ठीक है, और टायर को भी क्लिक कर लें और डायमेंशन भी ले लें जी। तो ठीक, देखें जी ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो हमारे डेटा रिक्वायर्ड है वो सब आ गए, डायमेंशंस भी आ गई हमारे पास और वेट भी आ गया है। तो ये हमारे पास इस तरह करके जंगल स्काउट की एक एक्सटेंशन है जो वर्क करती है, और इसके ज़रिए हमने अपने फॉर एग्जांपल हम इनेबलर के क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं तो उसके मुताबिक हमने काम करना होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये अब आपको एक्सटेंशन के हवाले से जो है वो समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, ये अब एक्सटेंशन जो है इनको मंथ, अच्छा रेवेन्यू आपने जो है ना वो हाई टू लो करना है, तो मंथली एमओ रेवेन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो एक दफ़ा लो होगा, फिर एक दफ़ा ये हाई टू लो हो जाएगा। अभी हमने किया तो ये देखें जी टॉप थ्री पे जो हमारे पास जो है ये तीन दफ़ा रिपीट हो रही है, तो इसको आपने वन काउंट करना है इस तरह। सेकेंड आप थर्ड फोर्थ ये नीचे जाएंगे, देखें ये 13.75 ये भी दोबारा रिपीट हो रहा है, इसको भी आपने एक काउंट करना है। 12.95 इसको भी आपने एक काउंट करना है, ठीक है जी। ये 9.79 भी, इसको भी अकाउंट करना है। तो आपने टोटल जो टॉप 10 लेने हैं उसमें रिपीटेटिव जो अगर आ रही है आपके पास कोई लिस्टिंग तो आपने उसको ओनली वन लेना है, ठीक है। तो इसके मुताबिक ही आप अपने रिव्यूज़ भी, अपने मंथली रेवेन्यूज़ भी और डेली सेल्स भी, रेटिंग्स भी, और जो सेलर टाइप्स भी हैं उसको देखना है। सेलर टाइप में ख्याल कीजिएगा अमेज़ॉन तीन से ज़्यादा मर्तबा ना आए, क्योंकि अगर अमेज़ॉन आ गया तो इट्स मीन वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कम्पिटेटिवली मुश्किल हो जाएगी, हमको वो सेलर नीच जो है वो प्रोडक्ट नीच जो है वो लीव करनी पड़ेगी। तो यहाँ तक अब आपको समझ आ गया। अब हम चलते हैं जंगल स्काउट की वेब के ऊपर। ये आपने अकाउंट बना लेना जी, जंगल स्काउट की वेब को ओपन करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट रिसर्च है, प्रोडक्ट डेटाबेस है, प्रोडक्ट ट्रैकर है, अपॉर्चुनिटी फाइंडर है, कैटेगरी ट्रेंड्स है, ठीक है जी। प्रोडक्ट डेटाबेस पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम कैसे कोई विनिंग प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स है, हम सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं, चाहें तो हम इसमें होममेड किचन ले लेते हैं, किचन डाइनिंग ले लेते हैं, तो इसके अलावा आप जो भी फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट को कैटेगरी को सिलेक्ट करना चाहें आप ले सकते हैं, पेशो लॉन एंड गार्डन भी ले लेते हैं, चलें ऑफिस प्रोडक्ट भी ले लेते हैं। तो इसके बाद हम इसको स्टैंडर्ड टायर में रखते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है कि स्टैंडर्ड साइज़ में हो। आप FBA कर लें, Amazon भी ले लें, आपकी मर्ज़ी है, अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। और फिल्टर्स आ जाएंगे इसमें मिनिमम प्राइस, क्योंकि हमारी यूनाइटेड स्टेट्स की मार्केट है तो हम इसको $15 पर रखेंगे। मैक्सिमम प्राइस जो है वो आप इसको ले लें तकरीबन $40 तक। मिनिमम रिव्यूज़ अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, इसमें मज़ीद रिफ़ाइन हो जाएगा। मैक्सिमम रिव्यूज़ आप कर लें, इसको 1000 तक कर लें, चाहें तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं जी। तो मिनिमम नेट और मैक्सिमम नेट आ गई, रेटिंग आ गई, रेटिंग आप चाहें तो कर लें, चाहें तो छोड़ दें, वेट आप कर लें 5 पाउंड तक मैक्सिमम कर लें आप, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आपने यहाँ फिल्टर्स में जो है ना रिक्वायर्ड आपने डेटा देना है, जो जिस तरह की आपको प्रोडक्ट हंट करनी है, ठीक है जी। हमने सेल्स में गए तो हमने कहा मिनिमम सेल्स जो है ना वो 100 यूनिट्स पर मंथ सेल हो, ठीक हो गया जी। तो रेवेन्यू जो है आप मिनिमम कर लें जी, चलें जी $5000 कर लें जी, ठीक हो गया जी। तो मैक्सिमम रेवेन्यू को हम कर लेते हैं जी, बल्कि मैक्सिमम रेवेन्यू रहना ही दें, ठीक है जी। 8000 कर लेते हैं हम मिनिमम, और मैक्सिमम को हम छोड़ देते हैं। तो इसके बाद ये डेटा डेट फर्स्ट अवेलेबल है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें क्या है कि आपने कस्टमाइज रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और अगर आपने वैसे ही ऑल टाइम करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो जितना आप स्पेसिफाई करते जाएंगे आपका डेटा मज़ीद जो है रिफ़ाइन होता जाएगा, ठीक हो गया जी। हम इसमें 6 महीने पहले तक की एंड दे देते हैं, 12 फरवरी नहीं 12 अगस्त हो गई, ओके जी। हम इसको देख लेते हैं दोबारा, चले हम इसको इसी पे अगस्त पे
करंट डेट के साथ सर्च करते हैं जी। तो सर्च किया तो देखें जी नीचे ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है, और इसमें ये देखें जी मुख्तलिफ़ आपके पास लिस्टिंग आ गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सरप्राइजिंग ये गिलास आ गए हैं आपके पास, और इसके बाद ये नीचे टॉवल्स भी आ गए हैं आपके पास। इसको क्लिक करते हैं जी, ये ओपन की हमारे होम एंड किचन कैटेगरी में टू लार्ज साइज बाथ टॉवल्स, ठीक हो गया जी। अब इसको यहाँ से देखेंगे, हमने ओपन कर लिया जी, तो इसको अब आपने देख लिया है, और इसमें इसको मज़ीद भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इसमें हमने अगर इसको इसकी अब ये तो बेसिकली एक प्रोडक्ट आ गई ना आपके पास, इसका मेन कीवर्ड आपने लेना, तो मेन कीवर्ड जो इसका है वो ये इसकी ब्रांड नेम है ट्रेंडस्टर होम्स, ठीक है जी। ट्रेंडसेटर होम इसके ब्रांड नेम है, और इसका मेन कीवर्ड जो है वो टू लार्ज साइज बाथ टॉवल ये होगा जी, ठीक है जी। तो इसको हमने लिख कर यहाँ पर इसको करेंगे सर्च, तो अब हमारे पास ये एक नीच आ गई है, तो इसको हम देखते हैं नीचे तक। ये देखें जी ये हमारे पास है, और इसको हम चाहें तो जंगल स्काउट रन करते हैं एक्सटेंशन यहाँ पे, और यहाँ पर हमारे पास का रिज़ल्ट आ जाएगा जी। तो ये डेटा आ गया जी हमारे पास, अब आप देख रहे हैं जी। तो ये देखें जी इसकी मुकम्मल हमारे पास ये आ रही है, और इसमें आप देख रहे हैं थोड़ा सा नीचे भी कर लेते हैं इसको, और थोड़ा सा आगे करके देखते हैं, ये जी सारी हमारे पास आ रही है, ठीक हो गया जी। तो इसमें हमने यानी कि इसको रीड करना है, इसको मुकम्मल देखना है, रेवेन्यू देखना है, इसमें रिव्यूज़ देखने हैं, ठीक है जी। इसमें इसकी टायर देखनी है, इसका साइज़ देखना है, इसी तरीके से ये नेक्स्ट भी हैं, नीचे भी हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये है और आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, फ़ाइनल क्लीनर, सिलिकॉन बारबेक्यू, ये ग्लव्स हैं, ये एक अच्छी आइटम है, इसको हम कर लेते हैं सर्च। तो गार्डन एंड आउटडोर में देखें जी ये प्रोडक्ट हमारे पास आ गई है, ब्रांड है F&B सिलिकॉन। तो इसका जो मेन कीवर्ड है वो सिलिकॉन बारबेक्यू स्टार ग्लव्स होना चाहिए, तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और इसको हम यहाँ पर जाके पेस्ट कर देंगे, और इसको हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये हमारे पास एक प्रोडक्ट के नीचे आ गई है, इसके ऊपर हम जंगल स्काउट की एक्सटेंशन को रन करेंगे, तो हमारे पास इस तरीके से ये डेटा हमारे सामने आ चुका है जी, ठीक है जी। तो ये एक प्रोसीजर है कि आपने किस तरीके से जंगल स्काउट से एक प्रोडक्ट को आपने सर्च किया है, और उसके बाद आपने जंगल स्काउट की एक्सटेंशन को रन किया है, और इस तरह आपने ये तमाम डेटा जो है ना आपने रिसर्च करने के पर्पज़ के लिए आपके सामने आ गया जी। इसमें आपने रिव्यूज़ को काउंट करना है, आपने मंथली रेवेन्यूज़ को देखना है, आपके पास क्राइटेरिया मौजूद है, आपके क्लाइंट ने दिया हुआ है, ठीक है। विनिंग प्रोडक्ट के लिए इनेबलर का क्राइटेरिया भी आपके पास मौजूद है, ठीक है जी। तो ये इसी तरीके से प्रोडक्ट डेटाबेस आ गया, प्रोडक्ट ट्रैकर आ गया, अपॉर्चुनिटी फाइंडर आ गया। अपॉर्चुनिटी फाइंडर भी जो है बेसिकली वो भी आपको प्रोडक्ट और के अपॉर्चुनिटी फाइंड करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है जी। तो हम इसको भी देखेंगे जी। तो ये अपॉर्चुनिटी फाइंडर पे हम जाएंगे, तो आप इसमें क्लिक कर लें जी। होम एंड किचन है, किचन डाइनिंग है, और इसी को ले लेते हैं मिनिमम एवरेज हम ले लेते हैं जी 50, और इसके बाद हम इसको करते हैं जी एवरेज मंथली प्राइस 15 और मैक्सिमम 48,000 हम जी इसमें करते हैं जी मंथली सर्च वॉल्यूम, और इसको फिर हम कर देते हैं सर्च में। कंपटीशन को आप चाहें थोड़ा सा कम कर लें, सीजनलिटी भी चलें जी, ठीक ही है। इसको सर्च कर दें जी, सर्च करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा ऐसे जी। तो ये हमारे पास डेटा नीचे आ गया है, ठीक है जी। ये अब आपके पास आ रहे हैं सारा डेटा, इसे चाहे तो हम सर्च वॉल्यूम मंथली अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, हाई टू लो एंड लो टू हाई भी कर सकते हैं ये। अब हमारे पास लो टू हाई हो गया जी। इसमें हम यहाँ से चेक करना चाहें तो किड्स लंच बॉक्सेस को फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ये अमेज़ोन के ए पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास अब न्यू एक टैब में ओपन हो जाएगी। तो ये आपके पास बहुत सारे नीचे प्रोडक्ट्स के कीवर्ड्स आ रहे हैं, नीच आ रही हैं आपके पास, आप इसमें किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं,
और इसको ओपन करेंगे। देन उसको ओपन करने के बाद ये देखें जी, इसको हम जैसे ओपन करते हैं हैरी पॉटर लंच बॉक्स को, तो ये हमारे पास ऐसे ही ओपन हो गया जी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसको अगेन इस पर हम जंगल स्काउट की एक्सटेंशन को रन करेंगे, और इसका जब हमारे पास डेटा आ जाएगा इस डेटे को फिर हम क्या करेंगे, ये जी ये आ गया हमारे पास डेटा, इसको फिर हम रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। तो उम्मीद है जी आपको अब ये चीज़ समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम अपॉर्चुनिटी फाइंडर के ज़रिए भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स की एक लॉन्ग रेंज है हमारे पास जो हम देख सकते हैं, देन उसको हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और उसको फिर हम आगे अपने रिसर्च बेस के लिए एक विनिंग प्रोडक्ट जो है हम हंट कर सकते हैं। तो इसमें ये देखें जी, इसमें काफ़ी सारी ये नीच में चीज़ें हैं, मगर इसके रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं और रेटिंग भी ठीक है, अमेज़ोन टॉप 10 में एक दफ़ा आया हुआ है, लेकिन हमने नीचे भी देखे हैं कि शायद ज़्यादा रिपीट हुआ हो। ठीक है जी, तो इसी तरीके से जी आपने अपॉर्चुनिटी फाइंडर को देखा है, कीवर्ड स्काउट में गए जी, कीवर्ड स्काउट ये बहुत ज़बरदस्त इसका एक ऑप्शन है जगह स्काउट का। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई कीवर्ड है, ठीक है जी, तो हमें देखना है कि उस कीवर्ड के साथ एसोसिएट कितने कीवर्ड्स जो है ना हो सकते हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे एक एसएन कोड कॉपी करते हैं, यहाँ से ले लिया जी, यहाँ पे कॉपी का निशान है, यहीं से हम ले लेते हैं जी, कॉपी एसएन कर लिया। अच्छा, इसे हम ले जाके जंगल स्काउट में, कीवर्ड स्काउट में जाके यहाँ पे हमने पेस्ट किया और इसको कर लिया सर्च जी। तो इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम, ब्रॉड सर्च वॉल्यूम और अगर अदर टी कीवर्ड्स की टर्म्स जो है हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको डिफरेंट और आइडियाज़ भी मिल सकते हैं प्रोडक्ट के जिस पर रैंक किए गए हैं, रैंक हुए हुए हैं। तो इस तरीके से आप मज़ीद अच्छी और विनिंग प्रोडक्ट्स को मतलब जो है ना आप हंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि मज़ीद हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जंगल स्काउट्स के ऊपर भी और इसके बाद हीलियम 10 के ऊपर भी वीडियोज़ बनाने की, ताकि हम आपको मज़ीद नॉलेज जो है फ्राम कर सकें। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली इसको शेयर और इस पर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना और अपने चाहने वालों का सबका बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।